फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सी एस फैमिली होम किचन। में आप सभी लोगों का दोबारा मैं स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया कीमा विद पाव। तो मैंने यहाँ पे सोया चंक्स को पानी में ले लिया, इसको बॉयल करना है। और मैंने यहाँ पे ले लिया है 3 प्याज, धनिया पत्ता, हरी मिर्ची, टमाटर, दही, अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो चलिए पहले सोया चंक्स को बॉयल कर लेते हैं हम 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए मैंने गैस पे चढ़ा दिया है सोया चंक्स को बॉयल होने के लिए। मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल कर लूँगी। और साइड में चलिए मैं प्याज और टमाटर को भी कट करके रेडी कर लेती हूँ। मैंने टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया पत्ता और प्याज को चॉप कर लिया है। यहाँ पर सोया चंक्स भी मैंने पानी में बॉयल करके निकाल दिया। अब इसका पानी निकाल लेंगे सोया चंक्स के। तो इस तरीके से हम सोया चंक्स की पानी निकाल देंगे जितना हो सके। उसके बाद हम इसका पेस्ट बनाना है मिक्सचर जार में। मैंने पानी निकाल लिया अच्छे से। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे, कीमा बना लेंगे। इसको मिक्सी जार में चला के थोड़ा थोड़ा करके हम ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें हम दे देंगे थोड़ा सा साबुत जीरा। अभी हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को थोड़ी देर हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे प्याज हमारा ऑलमोस्ट भून गया है अच्छे से। अभी हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे प्याज के साथ। तो अभी हम साथ ही में डाल देंगे कटे हुए टमाटर। टमाटर डालते ही हम इसमें डाल देंगे नमक, ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए हमारा। तो आप हम पूरा सब्जी के लिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले सकते हैं। इसको भी हम अच्छे से टमाटर के और प्याज के साथ मिक्स कर देंगे। और टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। देन इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर 1 चम्मच। टमाटर ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो गया है। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हम इसमें ले लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए 2 चम्मच। साथ ही में अगर आपके पास मैगी मसाला है तो मैगी मसाला डाल सकते हैं, या फिर नॉर्मल गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच गरम मसाला ले रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको भी। और अभी हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो मैंने यहाँ पे मिक्सी जार को धो के पानी ले लिया है। 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाला अच्छे से हमारा रेडी हो जाएगा। अभी हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे। सब्जी को एक बार चला देंगे। अभी हम इसमें डाल देंगे दही 2 से 3 चम्मच। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच दही ले लिया है। इसको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे गैस रखें, नहीं तो दही फट जाएगा। इसको अच्छे से हम मसाले के साथ मिक्स कर देंगे और इसको लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें अभी हम लीड लगा देंगे और लो फ्लेम पे 2 मिनट ऐसे ही पकना दे। तो 2 मिनट के लिए मैंने लीड लगा के अच्छे से इसको पका लिया है। ये देखिए तेल छोड़ने लगा है।
अभी गैस के फ्लेम को हम मीडियम पे कर देंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। और अभी हम इसमें डाल देंगे ये सोया चंक्स जो मैंने कीमा बना लिया अच्छे से पेस्ट करके, उनको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे सोया कीमा को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसकी थिकनेस के लिए थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। गैस को हाई फ्लेम पे कर दीजिए ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए। तो इसमें लीड लगा देंगे फिर से 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट हो गया, चलिए चेक कर लेते हैं कोई अच्छे से रेडी हो गया है। तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अभी हम इसमें डाल देंगे बटर, इसको भी अभी अच्छे से हम मेल्ट होने देंगे क्योंकि पाव भाजी के स्टाइल में सोया कीमा बन रहा है तो इसमें बटर तो जाएगा। आप चाहे तो जब पहले हमने तेल यूज़ किया था उसमें भी आप बटर यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बटर को अच्छे से हम मेल्ट होने देते हैं। और अभी हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए अच्छे से बटर भी मेल्ट हो गया है और धनिया पत्ता को भी मैंने मिक्स कर दिया है। अगर आपको बिल्कुल रेड वाला कलर चाहिए जो स्ट्रीट फूड में आता है तो आप अलग से एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कर लीजिए, थोड़ा सा अदरक को आप लंबा लंबा करके काट के उसमें डाल दीजिए और उसको बंद करके गैस को उसमें लाल मिर्ची पाउडर या फिर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए तो बिल्कुल रेड कलर आ जाएगा। तो मैं हेल्दी तरीके से बना रही हूँ इसमें, इसीलिए मैं ज़्यादा लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालूँगी। तो चलिए ये रेडी हो गया, इसको निकाल लेते हैं। अब ये पाव हम सेक लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैन गरम करने के लिए रख दिया है। अभी हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बटर, इसको मेल्ट कर लेंगे अच्छे से। तो इसमें अभी हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता। तो मैंने यहाँ पे पाव ले लिया है, पाव को इस तरीके से बीच में से हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे। उसके बाद हम इसको बटर में अच्छे से सेक लेंगे। तो देखिए हमारा पाव भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया, चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे हमारा सोया कीमा पाव रेडी हो गया है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल पर ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। देखिए कलर इतना अच्छा आया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। सब लोग अच्छे से रहिए।